गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों रंगून क्रीपर, इसके जो लीव फ्लावर होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, पिंक कलर के इस पे फ्लावर आते हैं। जो नए फ्लावर होते हैं वो थोड़ा सा लाइट पिंक कलर के आते हैं, जैसे कि ये वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं। और आज हम इसको ग्रो करेंगे कटिंग से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों इस ये जो रंगून क्रीपर है इसको झुमका बेल भी बोलते हैं, तो नर्सरी पर ही आपको झुमका बेल के नाम से मिलेगी, लेकिन इसकी कटिंग बहुत ही इजी टू ग्रो है, आप इसको कटिंग इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग लेने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको यहाँ पर ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं इनमें से आप बिल्कुल जॉइंट से ब्रांच को तोड़ लें इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों जो ये कटिंग है ये मैंने बिल्कुल जॉइंट से तोड़ ली है, और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होती है। मैं इसको 2 से 3 बार पहले ग्रो कर चुका हूं, और दोस्तों इसकी जो न्यू शूटिंग होती हैं उनकी कटिंग बहुत जल्दी सक्सेस होती है, बहुत अच्छे सक्सेस होती है। और दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसके जो बॉटम के लीफ हैं आप उन्हें उतार दें। अब दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हूँ और एक हाथ से इसके लीफ रिमूव कर रहा हूँ, तो एक बार मैं इसके लीफ रिमूव कर लेता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों मैंने इसके जो लीफ हैं वो लगभग रिमूव कर दिए हैं, टॉप के मैंने थोड़े से लीफ इसके छोड़े हैं जिन्हें आप आराम से छोड़ सकते हैं, और इसके जो ग्रो होने के चांसेस होते हैं वो लगभग काफ़ी इजी टू ग्रो वाइन होती है ये, आप एक बार लगाकर देखिए काफ़ी खूबसूरत होती है। और ये दोस्तों रंगून क्रीपर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो ये वाइन होती है ये बहुत ही ईजिली ऊपर चढ़ जाती है। अगर आपने इसको लगाया है तो ये एक ग्रोविंग सीजन में, मतलब इसका ग्रोविंग सीजन गर्मियों का होता है और इसके फ्लावर जो हैं वो सर्दियों के सीजन से स्टार्ट होकर और बरसात के सीजन से स्टार्ट होकर, और जब बरसात का सीजन शुरू होने वाला होता है तब इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और तब तक फ्लावरिंग करता है जब तक सर्दियां शुरू होती हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ ज़्यादा गर्मी में या फिर ज़्यादा सर्दी में फ्लावरिंग नहीं करता, अदरवाइज ये फ्लावरिंग करता रहता है। और दोस्तों अगर आप इसको पॉट में लगा के या फिर ग्राउंड में लगा के आप इसको चढ़ाते हैं, आपका 2 या 3 मंजिल का घर है तो ये आराम से चढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों इसकी कटिंग जो है इसको किसी रूटिंग हार्मोन की भी जरूरत नहीं होती, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों एक होल करेंगे हम अपने पॉट में, ये दोस्तों फाइकस का मेरा प्लांट लगा हुआ इसी पॉट में, तो इसी में मैं इसकी शेयरिंग कर दूंगा और जब ये ग्रो हो जाएगी तो मैं इसको बाद में निकाल लेंगे। ये लीजिए दोस्तों इसमें होल जो है वो हो गया है, अब होल में अब अपनी कटिंग को रखेंगे और मिट्टी डालकर दबा देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए, हिले ना। दबाने के बाद दोस्तों इसमें हम कर देंगे वाटरिंग। दोस्तों जब भी आप कटिंग लगाएं तो उस टाइम उसको वाटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप उसको पानी दे दें। और दोस्तों आप कोशिश करें कि फ्रेश कटिंग लगाएं, मतलब जैसे ही आपने कटिंग तोड़ी है उसको तुरंत लगा दें, रखें ना। और ये दोस्तों बहुत ही इजी टू ग्रो है, मैं इसको पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी इसको बहुत बार ग्रो कर चुका हूँ, और दोस्तों ये बारिश के सीज़न में बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको और दोस्तों इसको शेडेड एरिया में थोड़ा सा ऐसा है कि इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर दिन में इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े। दोस्तों ये मेरे कुछ पॉट रखे हुए हैं, मैं इनको इसके अंदर घुसा दूंगा ताकि इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले और इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और प्लांट्स की वजह से। और दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र, दोस्तों ये बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन में इसकी शूटिंग जो है, नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी। दोस्तों अगर ये थी मेरी आज की वीडियो रंगून क्रीपर पर कि इसकी कटिंग हम किस प्रकार ग्रो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। Yeah.